शासन के शिविर के उद्घाटन का कार्यक्रम है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने कई प्रकार की विभिन्न गतिविधियां इस शिविर के माध्यम से आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। आपके ध्यान में आया है पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी की राम कथा इस शिविर के माध्यम से होने वाली है, आगामी 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। पिछले महाकुंभ से एक प्रक्रिया का प्रारंभ दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने किया था, मंथन 2010 के नाम से, जिसमें 5 अलग अलग विषय लेकर, कई प्रकार के विषय थे। पिछले महाकुंभ में तो 12 विषयों को लेकर हम लोगों ने उन विषयों पर मंथन और चिंतन की एक प्रक्रिया का शुभारंभ किया था, और उसमें जो भी बुद्धिजीवी, जो भी स्तुतिजन आए थे, उनको एक उनके विषय को लेकर एक पुस्तक भी निकाली थी, उसका संपादन भी किया था कुंभ के नाम से, वो भी पुस्तक आप लोगों के हाथ में आई थी। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी ऐसे 5 विषय छांटे हैं हम लोगों ने। उन 5 विषयों को लेकर अपने शिविर के माध्यम से समाज में एक संदेश जाए, समाज में एक विषय जाए, एक चिंतन और मंथन की प्रक्रिया शुरू हो, इस विषय को हम लोगों ने लिया है। अन्य भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो समाज को, समाज में विश्वास अर्जित करने के लिए एक संदेश जाए। इस नाते से चाणक्य का मनोज जोशी जी हैं, आप लोगों की जानकारी में है, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और देश में विभिन्न स्थानों पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवा कार्यों का उल्लेख हो, सेवा कार्यों का दीप प्रज्वलित हो विभिन्न स्थानों पे, इस नाते से अलग अलग स्थानों में साल में 3-4 ऐसे कार्यक्रम हम मनोज जोशी के माध्यम से करते हैं। उनके भी कार्य का, उनका भी कार्यक्रम अपने यहाँ 11 तारीख को होने वाला है। 10 तारीख को कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है, देश के वरिष्ठ कविजन, उसकी जिसकी थीम हम लोगों ने माँ रखी है। माँ हमारे देश में बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा भावनात्मक शब्द है। भारत माता, गायत्री माता, गौ माता, इन सारे विषयों को लेकर कविजन अपने भावनात्मक पक्ष को, भावनात्मक कविता रखेंगे, और बहुत अच्छे कविवर आ रहे हैं, ऐसे गजेंद्र सोलंकी हैं, कुछ नाम हमारे पास में है, अरविंद मिश्रा जी उसके संयोजक हैं, वो भी बताएंगे भी कि आपको किन किन कौन किस किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे कविजन आ रहे हैं। एक दिव्य प्रेम सेवा मिशन पिछले 20 सालों से जिस क्षेत्र में काम कर रही है, जो जिन बच्चों के साथ काम कर रही है, उन बच्चों का भी एक सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम है 2 घंटे का, वो भी ऐसे, तो इन सारे स्वरूप को, इन सारे कार्यक्रम का एक रूप बन सके। हमने पिछले 19 साल 20 साल में हमारी पहचान कहाँ तक है, हमने कहाँ तक किन लोगों के बीच में हम पहुँच सके हैं, उन सब लोगों को एक जगह एकत्रित करने का कार्यक्रम है। आज उसकी शुरुआत है, आज उसकी एक शिविर का उद्घाटन जैसा है। मैं पूज्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद महाराज जी, जो हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं मिशन के, हम लोगों उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को प्राप्त होता रहता है, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो एक बार दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें और इस शिविर के उद्घाटन को आगे बढ़ाएं। पूज्य शंकराचार्य महाराज जी। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलायतनो हरे, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सनातनं। मंगलमूर्तये नमः, शुक्लां वरदरं देवं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, नखं कमलं नयने।